चंचलता मिट गई, लेकिन मलिनता
ईश्वर प्रसिद्ध है। जितना लंबा मेडिटेशन, जितना लंबा कायुक सर, एक ही मुद्रा में खड़े खड़े एक वर्ष तक अपने आप को क्या बना दिया, पिलर बना दिया, खंबे की तरह खड़े रहे, इतनी स्थिरता आ गई। लेकिन हल्की सी मलिनता क्या, कौन सी मलिनता, हल्की सी मलिनता थी वो, किसकी? मान कसाई की कसाई। ये शब्द जब आता है आपको समझ में, भीतर में एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, मुझे कसाई को समझना है। एक हल्का सा कसाई और उस कसाई की हल्की सी डस्ट, एक रेखा जितनी, एक बाल जितनी, उस वो बाल भी बाहुबली के लिए बाधा बन गया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भावों के साथ जो मलिनता जुड़ी हुई है वो क्या चीज की मलिनता है, और वो मलिनता कितनी बड़ी बाधा बन सकती है। दूसरा एक उदाहरण देती अतिमुक्त, छोटी उम्र में सन्यासी बन गए, दीक्षित हो गए, उम्र छोटी थी। आप सब जानते हैं कि बालक में किसकी प्रधानता रहती है, स्थिरता की या चंचलता की? सहज बालक का शरीर, बालक का मन चंचल होता है। अब आप देखिए वो ध्यान में नहीं है, अतिमुक्ता खेल में लगे हुए हैं, लेकिन किसका अभाव है? मलिनता का अभाव, कषाय का अभाव आ गया। आप सभी समझने का प्रयत्न करेंगे, अतिमुक्त मुनि गए और हाथ में क्या थी? पात्री। जो साधु का पॉट होता है उसको क्या कहते हैं? पात्री। पानी था उसमें, पात्री को छोड़ दिया। अब बच्चे हैं, कोई चीज कोई खेल बना देते हैं, किसी कोई खिलौना बना देते हैं, पात्री को खिलौना बना दिया, छोड़ दी। क्रिया हो रही है अतिमुक्त की, क्रिया चंचल है, लेकिन केवल क्रिया है, मलिनता नहीं है। इसलिए क्या हो गया, क्या हुआ? वही केवल ज्ञान हो गया। ये समझने की बात है कि केवल हमारी क्रिया हमारे लिए बाधा नहीं होती है। उसको जैन परिभाषा, जैन हमारी जो लैंग्वेज है उसको योग कहा जाता है। हमारी योग का मतलब एक्टिविटी। एक्टिविटी तीन तरह की, बॉडी से जुड़ी हुई, माइंड से जुड़ी हुई और भाषा से जुड़ी हुई। लेकिन उसमें अगर कषाय नहीं है, जिस क्रिया के साथ कषाय का मिक्सचर नहीं है, क्रिया आपके लिए बाधा नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा बंधन नहीं है। गम किसमें है? कषाय में गम है, चिपकाव है, उसमें चेप है। कोई चीज आ गई तो चिपकेगी कब? कब चिपकेगी? गम होगा तो चिपकेगी नहीं, तो आप कितनी कोशिश कर लो कोई चीज टिकेगी ही नहीं, गिर जाएगी। वैसे ही क्रिया से होने वाले, केवल क्रिया से होने वाले बंधन टिकते नहीं, और ये क्रिया तेरहवें गुणस्थान तक चलती है। सर योगी केवली गुणस्थान, तेरहवें गुणस्थान तक क्रिया
लेकिन वहां क्रिया कौन सी? बिना कषाय की क्रिया। इसलिए आगे क्या है? आगे क्या है? सहयोगी केवली, उनके आगे क्या है? मुक्ति। इसीलिए बंधुओं ये समझें, हम क्रिया में न अटके, हम अपने भावों पर विचार करें। कितनी सूक्ष्म भावधारा अगर मलिन है तो हमारे लिए बहुत दुर्गति का बड़ा कारण बन जाएगी। एक सामने बताना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातें कितना बड़ा नुकसान कर देती है। एक आचार्य थे, उनके 500 शिष्य एक से बढ़कर एक, और कुछ होते हैं वो कुदरती बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। एक उनका शिष्य बहुत होशियार, क्योंकि शिष्य का विकास ऐसे कॉमन तो एक ये सहज एक भावना होती है कि गुरु प्रसन्न ही होते हैं अपने शिष्यों को आगे बढ़ते देखकर। गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरु तो पिता तुल्य होते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र का विकास देख करके खुश होता है, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को आगे बढ़ते देख कर खुश होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई चीज भावनाओं का ही खेल है, भावनाओं में कब मलिनता आ जाती है आप देखिए। हल्की सी मलिनता आई गुरु में, गुरु आशीर्वाद देते थे, गुरु शिष्य की प्रशंसा करते थे, उनको एप्रिशिएट करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, सब कुछ किया, यहाँ तक कि अपना उत्तराधिकारी बना दिया, युवाचारी पद दे दिया। लेकिन उसके प्रति हल्की सी क्या जेलसी, ये क्या था? ये क्या थी? ये जेलसी क्या है? मलिनता, ये भावों की मलिनता। और उस मलिनता ने गुरु को कहां पहुंचा दिया? दिवंगत होकर के गुरु सांप की योनि में सांप बने, और उधर उनका शिष्य आचार्य बन गया। आचार्य जा रहे थे, एक दिन जंगल में एक सांप आया सामने। बार बार सामने सांप आता है और उनको डसने की कोशिश करता है। गुरु चार बार अपने आप को बचाया, चार बार। फिर मन में आया कि इस जंगल में ये सांप केवल मेरा ही पीछा क्यों? तो ध्यान लगाया उनके पास, केवल ध्यान, केवल ज्ञान, ध्यान से देखा, अरे गुरुदेव आप उस योनि में, ये क्या हुआ? 500 शिष्यों की देखभाल की, उनको आचार में विचार में इतना आगे बढ़ाया, इतनी महान निर्जरा की आपने, और आप सांप की योनि में चले गए। थोड़ी सी थोड़ा और ध्यान लगाया तो पता चला, क्योंकि अभी ज्ञान था। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव
यदि आपका मन मलिन हो गया तो मैं अपना विकास छुपा देता, लेकिन आपकी गति ये देखी नहीं जाती। और ऐसा सोचते सोचते शिष्य बेहोश हो गए। शिष्य तो क्या गुरु बंदे हैं, उन आचार्य की अवस्था में बेहोश हो गए। उधर क्या, उधर सांप में भी बदलाव आ गया, क्योंकि सर्प में कितनी इंद्रियां, कितनी पांच, और इंद्रियों के साथ क्या माइंड मन। उधर सांप भी बदल गया। अच्छा ऐसा हुआ, ये मलिनता एक तरफ की, दो तरफ की नहीं थी, एक तरफ की थी, इसीलिए यही खत्म हो गई। सर्प जागृत हो गया, आचार्य के चरणों में एकदम ऐसे पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया। आचार्य रूप में शिष्य ने क्या किया, उनको त्याग प्रत्याख्यान कराया, संधारा कराया, और फिर अपने गुरु को सर्प की योनि से कहां पहुंचाए, ये क्या है। अभी अभी हमारे लास्ट सैटरडे बड़ा प्ले हुआ, और वो भी किस पर आधारित था, स्वर्ग में एक ही सीट खाली, इतना आकर्षक उसकी हेडिंग, कुछ लोग तो हेडिंग ही देख करके आए होंगे, लेकिन हमको मैसेज देना था। क्या मैसेज दिया हमारे बहुत सारे जो प्ले किया है, आज काफी यहाँ उपस्थित हैं, हमने उनको वापस आज कॉल किया, इनवाइट किया है, तो मैसेज क्या था। मैसेज ये भावों की मलिनता ने किसी को मर दिया, किसी को द्विवेक्ष में, और गुणों ने किसी को मनुष्य में, और सद्गुणों ने स्वर्ग तक पहुंचा। ये मलिनता का खेल और ये भावों की मलिनता का हमारा विषय चल रहा है। पिछले स्वाध्याय में आपने सुना था तेजस लेसिया, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहां से शुरू होती है, कहां से, कौन से लेसिया से, तेजस लेसिया। और तेजस लेसिया में आपने सुना था कि किन किन क्वालिटी से व्यक्ति अपनी शुद्धि को आगे बढ़ा। तेजस लेसिया में क्या होता है, क्या होता है, आप में एक क्वालिटी इंप्रूव होती है, कौन सी क्वालिटी, विवेक शक्ति, करणीय और अकरणीय का विवेक। इसको आप उदाहरण से समझें, क्षीर नीर विवेक कभी सुना आपने, क्षीर नीर विवेक कभी सुना, वर्ड तो सुना बट ऐसा नहीं सुना, शब्द सुना, उसके पीछे क्या है, लॉजिक या क्या बात है वो आपको सुनाती हूँ। हंस, हंस जो होता है उनके मुंह में क्या होता है, क्या होती है, ऐसी ऐसे जब वो दूध में अपनी चोंच डालता है तो एसिड चली गई दूध में, क्या होता है, दूध अलग हो गया पानी। क्षीर का मतलब क्या है, क्षीर का मतलब दूध, नीर का मतलब पानी, विवेक का मतलब सेपरेशन, दोनों का सेपरेशन, दोनों अलग हो गए, दूध दूध हो गया, अलग हो गया, पानी अलग हो गया, इसको कहते हैं क्षीर नीर विवेक, विवेक का मतलब पृथक्करण।
भाव, दो तरह के भाव चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे। फिर क्या करते हो? क्षीर नील दोनों को अलग करते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों को सेपरेट करते हो। फिर किसको फॉलो करते हो, किसको करते हो? दोनों आवाज अंदर से आती, क्या चीज बुरी है, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, दोनों को अलग करके जो तेजस लेशिया वाला जीव है वो क्या करता है? करणीय को फॉलो करता है, अकरणीय को दूर कर देता है, बेदख कर देता है, उससे अलग हो जाता है। तो तेजस लेशिया में आपने सुना था कि हमारी क्वालिटी हम फॉलो किसको करते हैं? क्वालिटी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जीवन में अहंकार भी है और विनम्रता भी है। जिस व्यक्ति के पास ये भेद विज्ञान है, करणीय अकरणीय का ज्ञान है, वो क्या किसको महत्व देगा, किसको सफल बनाएगा? अहंकार को सफल नहीं बनाएगा, वो विनम्रता को फॉलो करे। तो तेजस लेशिया की बात हमने कही। अभी पद्मनिष, आगे पद्मनिष, और हम लेशिया के साथ हम उनकी क्वालिटी भी बता रहे हैं कि उनकी सौरभ कैसी होती है, उसका टच, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल कैसी है। आप अपने भावों को ही सुन रहे हैं, आपके भाव इतने सुरभित हो सकते हैं, आप देखिए। पद्मलेशिया के बारे में बताया गया, पद्मलेशिया कितनी स्वीट होती, कितनी मधु आपने सबने टेस्ट किया है। मधु किसको कहते हैं? हनी। बहुत बढ़िया, अपनी लैंग्वेज को तो आपने याद रखा है। बहुत कम लोग होंगे जो मधु कहते हैं, या तो शहद कहते हैं या हनी कहते हैं। तो मधु को बहुत मीठा माना है, एकदम प्योर मधु। अब तो क्या है कि सब सर्वत्र पॉल्यूशन है, तो फूल भी पॉल्यूटेड हो गए हैं। कहाँ से निकलती है मधु? फूलों का रस है। तो पद्मलेशिया हनी से भी अनंत गुणा मीठी, इतनी मधुरता भावों में, इतनी मधुरता आप देखिए। आपकी मधुरता केवल बेटे तक सीमित नहीं, बच्चों तक सीमित नहीं, उनके तो आप हर लव्ड वन हो। मधुर व्यवहार केवल फैमिली तक नहीं, पद्मलेशिया वाले जीव इतने मधुर, उनके भाव इतने मधुर और इतने विस्तृत कि पूरी जीव राशि के साथ मधुर व्यवहार, सबके प्रति कोई तरह की कटुता नहीं, कोई तरह की जेलसी नहीं, कोई तरह का नेगेटिव रिएक्शन नहीं। कोई भला करे कोई बुरा करे, किसी ने कितना ही बुरा किया हो, इसका तो दिल कैसा बन गया है, क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र, कितना मीठा, किसी ने उसका पानी चखा हो, क्षीर समुद्र, इतनी मधुरता हमारे व्यवहार में, हमारे भावों में आ जाती है। तो फिर कोई किसी का अनिष्ट कर नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। पद्मलेशिया वाला जीव इतने निर्मल,
फ्रेग्रेंस कैसी, सारे खुशबुओं को अलग इकट्ठे कर दुनिया की अच्छे से अच्छी सुगंध और सबका एसेंस आप सबका इकट्ठा कर, बस किसी सुगंधित जगह आप चले गए तो बस उसी में मग्न हो जाते हैं। उससे अनंत गुणा सौरभ किसकी, पद्म लेश्या के जीव उनके भावों में इतनी सौरभ, इसका मतलब क्या, वो कौन सी सौरभ, सद्गुणों की इतनी क्वालिटी, आगे से आगे क्वालिटी। हमारे जितने गंधर होते हैं, गंधर आपने सुना कौन गंधर कौन होता है, कौन गंधर किसको कहते हैं, आगम लिखते हैं तीर्थंकरों के जो भी सारे शिष्य नहीं जो उत्तराधिकारी, तीर्थंकर के उत्तराधिकारी उनको कहते हैं, वो सर्वगुण संपन्न, ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं जो गंधर में ना हो। अरे किसी किसी व्यक्ति में एक क्वालिटी, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, किसी का बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत व्यवहार कुशल है, कोई एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, पूरी ऑडियंस को बाहर ले जाता है। एक एक क्वालिटी, लेकिन सब क्वालिटी एक ही व्यक्ति में हो, ये कैसे समझ, कहां से आई वो सारी क्वालिटी। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कब बनता है, कब बनता है, कब बनता है, अनुभव से, अनुभव के साथ परम विवेक, परम विनय वहां बताया गया कि जो व्यक्ति किसी में कोई गुण है, यहां हमारे ऑडियंस बैठे हैं, अब जिन जिन को हम जानते हैं तो उनको हमें पता है किसमें क्या क्वालिटी है, किसमें क्या क्वालिटी, जिसमें जो क्वालिटी होती है वो खुले दिल से उसको एप्रिशिएट करता है, खुले दिल से उनको बताता है, एक्सप्रेस करता है, वो व्यक्ति सबके गुणों को अपने में आत्मसात करता है। उससे कितना बड़ा लाभ कि नेक्स्ट लाइफ में सर्वगुण संपन्न। तो गणधर का जो पिछली लाइफ होती है वो प्रमोद भावना से भावित लाइफ, सबका खुल करके खुले दिल से सबको गुणानुराग गुणानुवाद। तो पद्म लेश्या वाला जी जिसके कषाय कैसे हो गए हैं, कैसे पद्म लेश्या के जी के कषाय बिल्कुल मंद हो जाते हैं। एक दो उदाहरण में आपको कषाय की बताती हूँ कि ये कषाय की मलिनता कैसे जीवन में काम करती है और इसका संबंध किससे है। आप देखेंगे राजा भोजन कर रहा था, घर में एक नौकर जो हमेशा उनको खाना परोसता, परोसते बड़ी सावधानी रखते हैं, कोई गेस्ट आता है और सबके साथ रखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कभी कभी जितनी ज्यादा हम केयर करते हैं कभी कभी भूल हो जाते हैं, जितना ज्यादा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं उतना ही कहीं कहीं फॉल्ट हो जाता है। हुआ क्या, उनको साग परोसते परोसते एक छांटा, एक
सामने कौन? राजा। और राजा के सामने कौन? कौन? नौकर। कर्मचारी? नौकर? क्या मजाक कि उनके कपड़ों पर कोई चीटा दे दे। इम्पॉसिबल। हो गया तो क्या होना है अब? राजा बहुत क्रोध में, क्रोध आया तो इतना आया बस सीधा आदेश क्या दे दिया, सीधा ऑर्डर इनको मृत्यु का दंड दे दिया। और ये सब कौन देख रहा है? कुक जो खाना बना रहा है, टीचरों की उनकी सबकी एक वो होती है, पूरा ग्रुप होता है काम करने वालों, उसने देखा, अरे ये क्या, एक बूंद गिरी और सीधी मौत उसकी, ये तो नंबर कभी मेरा भी आ जाएगा, कुछ तो करना चाहिए। क्या किया? पूरा भगोला लिया, उठाया और जा करके उनके पास में पूरा खाली कर दिया, जितने छींटे उछलने थे पूरा का पूरी पूरी पोशाक राजा की पूरी भर गई। तो राजा का क्रोध आसमान, तूने जान बूझ करके ये कैसे? कुक ने क्या कहा? राजन आपके भले के लिए किया है। क्या भला? राजन अभी इसने भूल से थोड़ी सी सब्जी उछल गई, आपके कपड़े खराब हो गए और उससे आपने मृत्युदंड घोषित कर दिया। ये बात अगर सब लोग सुनते तो आपके पूरे राज्य में बदनामी हो, इसलिए मैंने क्या किया, जानबूझ करके सारा डाल दिया। अब कोई सुनेगा तो आपकी बदनामी तो नहीं होगी। ये संगत का प्रभाव, ना विवेक से एक रसोईये ने राजा के दिल को बदल, आंखें खुल गई। अरे एक छींटे से मैंने क्या सोच लिया, ये कौन सोचने के लिए हमें बाध्य करता है? ये कषाय बंधुओं, ये सब कषाय है। ये कौन सा कषाय? पहला कौन सा कषाय? बिल्कुल अहंकार के बिना क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध अकेला नहीं आता है, जब जब आपको क्रोध आएगा ना, उससे पहले आपको ईगो हर्ट, आपका ईगो हर्ट होगा। ईगो हर्ट होते ही क्रोध आता है। ऐसी ही एक और घटना आप देखिए, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आगे कि ये विषय हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम सजग रहें अपने भावों के प्रति। एक राजा को, ये होते हैं ना फ्लावर पॉट, क्या कहते हैं आपकी भाषा में मुझे नहीं पता, तो फूलदानी जो फ्लावर सजाते हैं और उसका ग्लास का वो होता है पॉट। भाषा में तो आपने पहले कर दिया। कौन सी? फ्लावर पॉट। वो तो मैं मेरी भाषा में बोली, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। उनको बहुत ही उसकी वो पसंद, बहुत उनको शौक थी। तो लोग भी आपको जो पता चल जाए किसी को, आपके फ्रेंड्स को या रिश्तेदारों को, कि इस चीज की आपको शौक है, तो फिर जब भी बर्थडे आएगा, कोई भी अवसर आएगा, तो वही चीज आपको गिफ्ट दी जाए। तो जो भी कोई आता था तो अच्छे से अच्छे फ्लावर और बढ़िया से बढ़िया एकदम एक से बढ़कर एक सारे इतनी फूलदानी पूरा राजमहल उससे सजा। यही बात काज कब तक टिकता है, उसका तो स्वभाव ही है टूटना। काज का स्वभाव है टूटना, अब वो कैसे ही टूटे देख।
लोग कहते हैं अभी हम वहाँ थे हमारे स्कूल में इतने बड़े थिक वो डोर लगाए ग्लास के, अब पता ही नहीं चला रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरे पूरे चूरा चूरा होकर के गिर गए। तो समझ में आया कि कांच का क्या स्वभाव है, आज नहीं तो कल। तू जो सफाई करने वाला था उससे क्या हुआ, उसे एक पॉट टूट गया। अब राजा की पसंद की कोई चीज खराब हो जाए तो फिर अभी आपने सुना था वही कहानी मृत्युदंड, सीधा मृत्युदंड। किसको पता चला इस बात का, दरबारी को। दरबारी पास में गया राजा के पास और कहा, राजन मेरे पास स्किल है, मैं है ना टूटी हुई चीज को जोड़ सकता हूं, आप पता ही नहीं चलेगा कि टूटा था। राजा बड़े खुश हो गए, अच्छा ऐसी बात है तो तू पहले काम करिए। वो गया हाथ में क्या लिया, हाथ में स्टिक ली, इसको फोड़ा एक 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 करके सारे के सारे जितने फोर्स थे सबको फोड़ करके रख। एक नया तमाशा हो गया। राजा ने कारण पूछा, ऐसा तुमने तो कहा था कि मैं ठीक करूंगा और तुमने तो सब फोड़ दिए। राजन मैं आपके सामने हूं, इन सब फोर्स का स्वभाव है टूटना। अभी एक के हाथ से टूटा, दूसरा कोई और सफाई वाला आता उससे टूटता, एक 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 करके। तो कितने सारे सैकड़ों आपके घर में इतनी फूलदानी है, कितने लोगों की मृत्यु होती, आप कितनों को मृत्यु दंड देते। मैंने सोचा कि मैं सबको एक साथ तोड़ दूं और मेरी मृत्यु दंड मेरा हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं इतने लोगों को बचा दूं। राजा सोचता ही रह गया, उसने उनको भी माफ कर दिया, फोड़ने वाले को भी माफ, और जिसने पहले किया था उसको भी। ये क्रोध किसी को भी आ सकता है, अहंकार किसी को भी सताता होगा। बंधुओं स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने आप को संभलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे भाव कभी भी भूल करके भी किसी के न आए। अतुलकालिक भक्ता का उदाहरण हमारे सामने है, जिनका क्रोध सात में आसमान तक पहुंचता है, सात भाइयों की इकलौती बहन उसका इतना अहंकार, वो लाड़ में पली तो बिगड़ गई, इतना अहंकार, और अहंकार से वो ऐसी दुर्गति में गई कि वो तो फिर क्षमा की मूर्ति बन गई। क्षमा की मूर्ति, क्या हुआ उनकी प्रशंसा देवलोक में हुई कि क्षमा हो तो अतुलकालिक भट्टा जैसी। उसकी परीक्षा के लिए देव आए, साधु का वेश बनाया क्या लेने के लिए, उनके घर में लक्ष्यपात तेल एक लाख प्रोसेस से बनाया गया तेल, इतना कीमती तेल उनके घर में घड़े भरे हुए थे उस तेल के, हर जगह वो उपलब्ध नहीं था। मुनि वहां गए, अतुलकारी ने अपने नौकर को कहा कि वो घड़ा ले आओ अंदर से बाहर लाओ। मुनिराज पधारे, नौकर उसको पकड़ करके लाता है, रस्ते में ही फूट जाता। अतुलकारी क्या कहती है, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है,
अपने अंदर तो और बड़ा है। अब तुम सावधानी से धीरे धीरे उसको पकड़ करके ये तो देव माया थी और दूसरा घड़ा भी फूट गया। अब तुम भट्टा वही शांति वही बैलेंस कोई उत्तेजना नहीं क्रोध की एक भी रेखा नहीं वही शांति वही समाधान। और उसने कहा अब एक बचा है अब उसको धीरे से लाते हैं हम कम से कम साधु आया हुआ खाली न जाए बस उनके पात्र सुपात्र दान का लाभ हमें मिल जाए बस उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना। और क्या हुआ उसको भी पकड़ करके लाया तो वो भी बिखर गया सब कुछ बिखर गया लेकिन भावधारा स्थिर थी अखंड थी उनमें कोई बिखराव नहीं कोई बदलाव नहीं अखंड शांति अखंड क्षमा। मुनिराज मूल वेश में आए मूल रूप में आए और कहा कि तुम्हारी जो प्रशंसा देवलोक में हुई है वो सच्ची हुई कैसी तुम्हारी क्षमा तो बंधु ये जैन शासन हमको मिला है बड़े भाग्य से मिला है। बहुत गहरी बातें समझ में आए ना आए बहुत बड़ा हमारा जो जैन फिलोसॉफी है उसकी बहुत गहराई में आप जाए न जाए ये छोटा सा मंत्र आप सीख लें जितनी जितनी क्षमा आएगी जीवन में सारे दोषों की वहां क्या हो जाएगी स्वाहा कोई दोष बचेगा। पद्मलेशी जीव के क्षमा का विकास होता है वो एनी हाउ कुछ भी घटित हो जाए कितना ही नुकसान कोई कर दे जान करके कर दे अनजान में कर दे पूरी दुनिया लुट जाए क्रोध नहीं आता है। ऐसी क्षमा के संस्कार हमें विरासत में मिले हैं हमको कुछ भी नहीं करना है क्षमा दान बस और कोई दान हमारे पास है या नहीं। पैसे कम हो सकते हैं टाइम आपके पास बहुत कम है पहले से और किसी चीज का दान हम दे पाए नहीं पाए बंधुओं क्षमादानी जरूर बने और क्षमा से हम अपने भावों को धो डालें एकदम शुद्ध बनाना है बिल्कुल स्वच्छ बनाना है। पद्म जो शब्द आया है पद्म पर आप ध्यान दें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसका मीनिंग किया है पद्म का मतलब पराग पराग किसको कहते हैं पराग का मतलब है सुगंध जो रस होता है रस किसको कहते हैं पता है आपको रस कब बनता है आपका रस सीधा नहीं बनता है और रस नहीं बना तो फिर कितना ही अच्छा खा लो सारे मेवे सारे माल खा लो आपने खाए लेकिन रस नहीं बना तो शरीर के नहीं लगता है सीधा खाना आपको एनर्जी नहीं देता है रस आपको बनाना पड़ता है। रस का मतलब एसेंस जिस व्यक्ति की जीवन में सारभूत वस्तु आ गई हाथ में उसको बदमिश बाकी सब कुछ निकल गया माइंस खोदी कितनी रेत निकली कितने ढगले बनाए आपने
ज्ञान खोती जाती है। एसेंस क्या, क्या एसेंस? जब तक नजरें कहां टिकी हुई, या तो हीरे पर या सोने पर, बस वो हार में आ जाता है तब। और क्या चाहिए? जीवन की चाबी, जीवन का एसेंस जिनके हाथ में लग गया, और कुछ नहीं चाहिए। आज के स्वाध्याय का एसेंस क्या है? क्या एसेंस? हमें अपने भावों की मलिनता पर ध्यान देना है। मलिनता हट गई तो चंचलता अपने आप हट जाएगी। हम ध्यान करते हैं, क्या संकल्प करते हैं बताओ? क्या करते हैं संकल्प? क्या करते हैं भाई गौरव भाई? कि मैं स्थिरता के लिए परीक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, या चित्त शुद्धि। प्योरिफिकेशन इज अवर गोल, हमारी पूरी साधना का, पूरी स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो है प्योरिफिकेशन। कुछ भी नहीं चाहिए। प्योरिफिकेशन रूपी एसेंस हाथ में लग गया, बस सब कुछ मिल गया। इस शुद्धि की हमारा ध्यान है, उस शुद्धि के लिए जो कुछ कर सकते हैं, तब की साधना, जब की साधना, अभी जब किया था हमने, हमने ग्रुप मंत्र मेडिटेशन किया था। किस लिए किया था? हम अपनी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करें और उसको शुद्ध करें। जितनी हमारी एनर्जी यहां रहेगी, ऊपर रहेगी, हम सही सोचेंगे, सही करेंगे, और यही एनर्जी अगर हमारी इस लेवल में रही, डाउन रही, इस डाउन एरिया में रही, तो फिर हम नेगेटिविटी में जा सकते। इसीलिए हमने अपनी एनर्जी को ऊपर उठाया मंत्र के माध्यम से। तो मेडिटेशन में जो स्थिरता का अभ्यास किया जाता है वो शुद्धि के लिए किया जाता है। अगर शुद्ध हो गए तो ये स्थिरता अपने आप आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली, रिश्ते, सब स्टेबल हो जाएगा। कषाय पर विजय पाना है। कषाय पर विजय पाई तो निर्मलता दूर नहीं है, बस द एब्सेंस ऑफ कषाय इज प्योरिटी। प्योरिटी क्या है? कषाय निकल गए, प्योरिटी रह गई। तो धीरे धीरे अपने अहंकार को समझना है, क्रोध को समझना है, अपनी भीतर की कुटिलता को समझना है, और अपनी आसक्ति को समझना है। ये चार चीजें जितनी जितनी दूर करेंगे उतने उतने हम प्योर होते जाएंगे। भावधारा हमारी प्योर होती जाएगी। कहां से चली थी हमारी भावधारा? कृष्ण लेसिया से। कृष्ण लेसिया से चले हैं और उस मलिनता को दूर करते करते हम पद्म लेसिया तक पहुंचे हैं। जिस व्यक्ति के मलिनता, कृष्ण लेसिया की जो मलिनता है वो कहां ले जाती है? नरक में ले जाती है। नील लेसिया की मलिनता वो व्यक्ति को स्थावर योनि में ले जाती है। जितनी भी स्थिति, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु, अग्नि, इन जीवों में व्यक्ति को जाना। कापोक्लेशिया व्यक्ति को द्वेंद्री से, दो इंद्रिय से लेकर तिर्यंच पंचेंद्री तक की यात्रा करना, पशु योनि में ले जाती है। तो ये तीन लेशिया
लाइफ से बिल्कुल हटानी है और किधर आना है। ये तेजो लेशिया और आज पद्म लेशिया के बारे में सुना है और आगे का स्वाध्याय हमारे उस शुक्ल लेशिया में हम प्रवेश करेंगे कि शुक्ल लेशिया का क्या रूप होता है और उसमें हम सुनेंगे कि शुक्ल लेशिया की भावधारा कैसी होती है, उसको आप आगे के स्वाध्याय में सुन पाएंगे।